नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका। एक और वीडियो लेकर आए हैं और स्वागत है फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल पर। आज अपन भी वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दांत खाज खुजली का रामबाण इलाज, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। और दांत खाज खुजली और फंगल इन्फेक्शन का रामबाण इलाज, फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। तो आज हम बात करेंगे रिंगबोम, फंगल इन्फेक्शन, दांत की समस्या अनएक्सपेक्टेडली कभी भी आ सकती है। तो देखिए, रिंगबोम हो, फंगल इन्फेक्शन हो या दांत की समस्या हो, ये कभी भी आ सकती है। ये किसी को भी हो सकती है, चाहे छोटा बच्चा है, बड़ा है, मेल है, फीमेल है, कभी भी हो सकती है। तो आज हम जानेंगे दांत क्या होता है, दांत का इन्फेक्शन दिखता कैसे है, दांत पर क्रीम लगाने का क्या तरीका है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, साथ ही वीडियो को अवश्य पूरा देखें, जिससे सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारा जो चैनल है ये हेल्थ रिलेटेड वीडियोज बनाने के लिए जाना जाता है। हमारा उद्देश्य है लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से जागरूक करना, अधिक से अधिक वीडियो बनाई जाएँ और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, रिंगबोम हो, फंगल इन्फेक्शन हो, दांत की समस्या जो है अनएक्सपेक्टेडली कभी भी आ सकती है, यानी कि ये अनएक्सपेक्टेड है, ये किसी को भी हो सकती है। दांत क्या होता है, दांत को कैसे पहचानेंगे? तो दांत एक फंगल इन्फेक्शन है, यह एक फंगस है जो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में पाया जाता है, जैसे सिर पर हो सकता है, गर्दन पर हो सकता है, हाथ पैरों में हो सकता है, जांघों में हो सकता है, उंगलियों के बीच हो सकता है, या उंगलियों और हाथों के बीच में हो सकता है, श्रेणी या पेट और जांघों के बीच का हिस्सा, मेल या फीमेल किसी में, दोनों में पाया जाता है। तो दांत जो है शरीर के कहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर जो दांत पाए जाते हैं वो हाथों पे पाए जाते हैं, गर्दन पे पाए जाते हैं, या प्राइवेट पार्ट के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, मतलब ये जांघों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। और अब दांत का इन्फेक्शन दिखता कैसे, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो दांत का इन्फेक्शन वो गोल आकार का होता है, यानी कि जो दांत होता है वो ज़्यादातर मोस्टली गोल आकार का पाया जाता है। उसके किनारे उभरे हुए होते हैं और गोल होते हैं, गोल किनारे के आसपास सफ़ेद रंग की पपड़ी भी हो सकती है, यानी कि जो दांत होता है जो सिक्के के आकार में गोल होगा तो उसके किनारों पे क्या है, पपड़ी हो सकती है, और वो उभरी हुई पपड़ी होगी, ये इस तरह से दिखाई देगा। और ज़्यादा खुजली होना और पानी या पस पड़ना, इसके कॉमन सिम्पटम हो सकते हैं, मतलब ये जो है जहाँ पपड़ी उभरी हुई होगी वहाँ पर खुजली आएगी और उसमें पानी या पस भी पड़ सकता है। अब दांत पर क्रीम लगाने का तरीका जानते हैं, तो साबुन और पानी से त्वचा को धो लें, यानी कि जहाँ पे दांत है वहाँ पे कि आप किसी भी साबुन से, एंटीबैक्टीरियल साबुन हो, जैसे टैटमसोल आती है, डिटोल आती है, इस तरीके से बहुत सारी आती हैं, तो आप किसी भी साबुन और पानी से धो लें, फिर साबुन लगाएं और फिर उसको अच्छे से साफ़ कर लें। याद रखें, उस साबुन को कोई और इस्तेमाल ना करें, वरना उसको भी दांत होने के चांस रहते हैं। अब मुलायम कपड़े से सुखाएँ, उसको रगड़ना नहीं है, यानी कि कोई मुलायम सूती कपड़े की तौलिया ले लें या टाउल ले लें और उससे उसको अच्छे से सुखाएं। सुखाने के बाद आपको क्या करना है, क्रीम को दांत के बाहर से अंदर की ओर लगाना है, यानी कि क्रीम को जो है दांत के बाहर से अंदर की ओर लगाना है, जहाँ किनारे उभरे हुए थे बाहर वहाँ से अंदर की ओर लगाना है। और क्रीम को दिन में 2 से 3 बार लगाना है, ये प्रोसीजर होता है क्रीम लगाने का। क्रीम 2 से 4 हफ्ते तक लगाएँ। अब बात करेंगे दांत खाज खुजली जो हो गई है, ये तो हमने जान लिया कि दांत क्या होता है, ये अनएक्सपेक्टेड होता है कि कभी भी हो सकता है। दांत का इन्फेक्शन कैसा दिखता है ये हम बता चुके हैं, गोल आकार का होता है और इसमें खुजली आती है और जो इसके किनारे हैं वो गोल होंगे और उसमें पपड़ी सी जम जाएगी। दांत पर क्रीम लगाने का तरीका हम बता चुके हैं कि क्रीम को जो है बाहर से अंदर की तरफ लगाएँ। अब इसका ट्रीटमेंट जान लेते हैं, दांत खाज खुजली का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर इसमें क्या है, क्रीम लुलिकोनाजोल जो है देते हैं मरीज को, लगवाते हैं, और इसमें कैप्सूल जो है ये ITMAC 200 जो होता है ये चलता है, ITMAC 200 सुबह शाम चलता है, और टैबलेट लीकोप जिसके अंदर लीबोसिट्राजिन पाया जाता है ये शाम को खाई जाती है, और कैप्सूल सुबह शाम चलता है, और जो क्रीम है वो दिन में 2 से 3 बार लगाई जाती है, लुलिकोनाजोल की क्रीम। तो ये दांत खाज खुजली का रामबाण नुस्खा होता है, डॉक्टर इसमें यही चलाते हैं। फिर भी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको दांत खाज खुजली हो गया है तो आप किसी खुजली रोग स्पेशलिस्ट से मिलें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही दवाई का सेवन हमेशा करें, क्योंकि देखिए दवाइयां जो है एक्ट भी करती हैं तो रिएक्ट भी करती हैं। अब थोड़ा इस दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको खाने के बाद आपको जो है वोमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है,
और उल्टियां आ सकती हैं आपको, ये कुछ कॉमन लक्षण हैं, ये सब हो सकता है। तो यदि ऐसा हो तो तत्काल प्रभाव से दवाई का सेवन बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो साथियों, दांत खाज खुजली का रामबाण इलाज आज अपनी वीडियो के माध्यम से हमने बताया। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य शेयर करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।